हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टमाटो प्यूरे बिल्कुल आसानी से मेरे स्टाइल में। जब चाहे आप इस टमाटो प्यूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी करी में या पास्ता में। इसे बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 800 ग्राम टमाटोज। इसमें हम बिल्कुल फ्रेश टमाटो यूज़ करेंगे। टमाटोज़ को अच्छे से धो लिया है, अब हम इस हिस्से को कट करके निकाल देंगे और इस तरीके से कट लगा लेंगे। सारे टमाटोज़ को इसी तरीके से कट लगाएंगे। टमाटोज़ को एक कुकर में डालेंगे, इसमें 30 से 40 ml तक पानी डालेंगे। कुकर की लिड लगाकर एक विसिल देकर इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे। कुकर की स्टीम निकल चुकी है, टमाटोज़ को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे टमाटोज़ की स्किन को निकाल लेंगे। ये टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे एक जार में डालेंगे, इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, 2 से 3 बार घुमाएंगे। टमाटोज ग्राइंड हो चुके हैं, इसे छन्नी में डालेंगे। इस तरीके से प्यूरे को छान लेंगे। सारे टमाटो प्यूरे को छान कर इसके बीज को अलग कर देंगे। टमाटो प्यूरे को नॉनस्टिक पैन या तो फिर स्टील पैन में ही बनाएंगे। टमाटे के बीज को हमें ग्राइंड नहीं करना है, अगर ग्राइंड करेंगे तो इसके जायके में फ़र्क आ जाएगा। कुकर में जो बचा हुआ पानी है वो हम छन्नी में डालेंगे और टमाटे की स्किन को भी डालकर इसे भी हल्के से प्रेस करते हुए इसको भी छान लेंगे। टमाटो बॉयल करते वक्त हमने पानी बिल्कुल कम डाला था, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसको बहुत देर तक पकाना पड़ेगा, इसलिए हमने पानी कम डाला था। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। हाई फ्लेम पर इसे मिलाते हुए हम पकाते रहेंगे। प्यूरे गाढ़ा होने तक इसी तरीके से पकाते रहेंगे। इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। 30 ml लेमन जूस ऐड करेंगे। इसी तरीके से इसे पकाते रहेंगे। मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ, आप चाहे तो सिट्रिक एसिड या फिर वाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। मैं टमाटो प्यूरे को नेचुरल कलर में ही रख रही हूं। आप इसे डार्क रेड कलर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, या तो फिर बीटरूट के छोटे से पीस को कट कर इसमें डालिए। 1 से 2 मिनट तक पकने के बाद इसमें से उस पीस को निकाल लीजिए। प्यूरे ज़्यादा पतला रहेगा तो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके से रखनी है। देखिए ये अच्छी तरीके से पक चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। इसे ठंडा होने के बाद एक जार में भर के 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर इसके आइस क्यूब बनाकर फ्रीज़र में रखेंगे तो 3 से 4 महीने तक भी इसे स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको प्यूरे डालना हो कोई भी करी में, 1 क्यूब या 2 क्यूब निकालकर उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।